इस ट्यूटोरियल में जानेंगे किस तरह से स्टैट प्रो में लोड अप्लाई किया जाता है। बेसिकली स्टैट प्रो लोड को तीन तरह से कैटेगराइज करता है, प्राइमरी लोड केस, मूविंग लोड केस और कॉम्बिनेशन लोड केस। नाउ अगर आप प्राइमरी लोड केस में देखें, जो डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, स्नो लोड, इस तरह से आप डेड प्राइमरी लोड केसेस बनाते हैं और इनके किसी भी तरह के मल्टीप्लीकेशन कॉम्बिनेशन को आप कॉम्बिनेशन लोड कहते हैं। दैट मीन्स प्राइमरी लोड केसेस की वजह से ही कॉम्बिनेशन लोड केसेस बनते हैं। इफ यू हैव प्राइमरी लोड केसेस देन एंड ओनली आप कॉम्बिनेशन लोड केसेस आपके बनेंगे। नाउ बात करें मूविंग लोड केस के बारे में, तो अगर आपको व्हीकल लोड या किसी भी तरह का मूविंग लोड जनरेट करना है देन वी हैव द मूविंग लोड केसेस। नाउ अगर हम आगे देखें प्राइमरी लोड केस के बारे में बात करें, तो जो डेड लोड है, लाइव लोड, विंड लोड, अर्थक्विक, सिस्मिक, इन सब के अंदर जो एड होती है दैट इज लोड आइटम्स। मतलब प्राइमरी लोड केस आर नाउ डिपेंड्स ऑन लोड आइटम्स। दीज आर जस्ट द फाइल नेम्स। डेड लोड इज अ फाइल नेम। इसके अंदर जो भी चीज होंगी वो लोड आइटम्स होंगी। तो लोड आइटम्स हमारे पास कैसे होते हैं? सेल्फ वेट, नोडल लोड, मेंबर लोड, मतलब जिस तरह से स्ट्रक्चर के ऊपर वेट कैरी हो रहा है। जनरली अगर हम बात करें बिल्डिंग स्ट्रक्चर में, तो मेंबर, बीम, फ्लोर, यही हमारा लोड कैरी करते हैं। तो जनरली हमारे कहते हैं मेंबर लोड एंड फ्लोर लोड, ये दीज आर द लोड आइटम्स फॉर द डिफरेंट केसेस। अगर आप यहां देखें, वी हैव सिस्मिक ऑल्सो एंड विंड लोड ऑल्सो। और अगर आप यहां देखें डेफिनेशन, दिस इज अनदर वन टर्म डेफिनेशन, तो आपको यहां पर भी एक विंड डेफिनेशन दिख रही है, सिस्मिक डेफिनेशन दिख रही है और स्नो डेफिनेशन दिख रही है। और ये चीजें यहां पर लोड आइटम्स में भी हैं। सी ये जो डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस का बेसिकली मतलब होता है जब हम किसी अमाउंट ऑफ लोड को सिर्फ एक फैक्टर वैल्यू से ही ना डिफाइन करके, नंबर ऑफ फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग अ सर्टेन वैल्यू। तो काफी सारे फैक्टर्स अगर एक वैल्यू को डिफाइन करने के लिए जरूरी हैं, तो वो सारे एक स्टेप में नहीं आ सकते, उनको नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए होते हैं। तो वी क्रिएट अ डेफिनेशन फॉर इट, तो दैट इज कॉल्ड डेफिनेशंस। नाउ यहां पे लोड केस डिटेल है, लोड एनवेलप्स। नाउ लेट्स सी कि हम इसको सॉफ्टवेयर में कैसे लगा सकते हैं। नाउ अभी हम देखेंगे किस तरह से हम प्राइमरी लोड केसेस बनाते हैं एंड प्राइमरी लोड केसेस के अंदर लोड आइटम्स डालते हैं एंड किस तरह से प्राइमरी लोड केसेस के आप कॉम्बिनेशन केसेस बनाएंगे और किस तरह से आप डेफिनेशंस क्रिएट करेंगे और उनको प्राइमरी केसेस के अंदर ऐड करेंगे। नाउ अगर आप यहां देखें तो यू विल फाइंड अ लोड पेज हियर। आप यहां क्लिक करते हैं, आपके पास लोड पेज आ जाएगा। इस लोड पेज के अंदर हम यहां पे आप देखेंगे न्यू, ऐड एंड दीज आर द असाइनमेंट मेथड्स। असाइनमेंट मेथड्स बिल्कुल सेम वही मेथड्स हैं जैसे आपने मेंबर प्रॉपर्टीज, सपोर्ट्स और स्पेसिफिकेशन को असाइन किया है। असाइन टू सेलेक्ट एंटिटीज, यूज कर्सर टू असाइन, असाइन टू व्यू, असाइन टू एडिट लिस्ट। नाउ अगर आप यहाँ स्क्रीन पे देखें तो आपको मिलेगा यहाँ पे डेफिनेशन, लोड केस डिटेल, लोड एनवेलप्स। तो सबसे पहले मुझे लोड केस, प्राइमरी लोड केसेस को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पिक कर रहा हूँ एंड आई एम प्रेसिंग द बटन ऐड, क्योंकि मुझे लोड केस ऐड करने हैं। जस्ट मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और ऐड का बटन प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं ऐड का बटन प्रेस करूंगा, ये मुझे एक नए डायलॉग बॉक्स में लेके जाएगा जहां पे सिर्फ और सिर्फ लोड केसेस ही ऐड हो सकते हैं। सपोज यहां पे मैं कोई केसेस ऐड करना चाहता हूं, सपोज मैं सिस्मिक का केस ऐड करना चाहता हूं, तो मैं ऐड कर रहा हूं अर्थक्वेक इन एक्स डायरेक्शन और यहां से मेंशन कर रहा हूं सिस्मिक। अगर आप ध्यान रखें कि जो आपका पहला लोड केस है हमेशा हम लोग सिस्मिक का ही लेते हैं। दूसरा लोड केस ऐड करना चाहता हूं मैं अर्थक्वेक इन जेड डायरेक्शन, सिस्मिक ही है। नाउ आई वॉन्ट डेड लोड ऑफ अ स्ट्रक्चर, डेड लोड डीएल ऐड कर रहे हैं, यहां से आप मेंशन कर दीजिए डेड लोड ऐड। अगर आप, अब मैं मेंशन करना चाहता हूं लाइव लोड ऑफ अ स्ट्रक्चर, आई मेंशनिंग लाइव लोड, पिकिंग फ्रॉम हेयर लाइव। इसी तरह से मैं चाहता हूं विंड लोड ऐड करना, तो आई टाइप विंड एंड मूविंग टू विंड लोड ऐड। नाउ जैसे मैंने ये सब क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पे लोड केस डिटेल ऐड हो चुकी है। अगर आप यहाँ देखें इनके अंदर कुछ भी नहीं है, दीज आर जस्ट द फाइल नेम्स। अब मैं चाहता हूँ इन फाइल नेम्स के अंदर एक पर्टिकुलर लोड आइटम्स ऐड हो जाए। तो जैसे आप इस जिसके अंदर जो लोड आइटम ऐड करना चाहते हैं, आप उसके ऊपर कर्सर लेके जाएं, पिक कीजिए और अगर आप ऐड का बटन दबाएंगे तो आपको डायरेक्टली ये लोड आइटम्स में ले जाएगा। तो मैं इस समय ये बता रहा है कि आप किस तरह से लोड आइटम्स ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं किस तरह से हम डेड लोड के अंदर लोड आइटम्स ऐड करेंगे। आई पिक दिस, पिक किया,
ऐड का बटन क्लिक किया। नाउ अगर हम बात करें एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर के बारे में, तो जनरली जो लोड कैरी होता है वो मेंबर्स पे होता है, मेंबर्स पे लोड कैरी होता है, और जो कैरी होता है लोड वो एक वॉल होती है जिनके जो, अगर हम जनरली बिल्डिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर में जो मेंबर पे लोड कैरी होता है वो वॉल्स का लोड कैरी होता है, और स्लैब फ्लोर के ऊपर जो लोड कैरी होता है दैट इज स्लैब। तो मैं अगर यहां पर ऐड करना चाहता हूं डेड लोड के अंदर स्लैब का लोड और मेंबर्स का लोड और सेल्फ वेट, जो स्ट्रक्चर के अंदर बीम और कॉलम का सेल्फ वेट है वो ऐड करना चाहता हूं, तो मैं किस तरह से ऐड करूंगा। आई एम जस्ट पिकिंग दिस, सेल्फ वेट ऐड करना चाहता हूँ, ऐड किया। मेंबर के अंदर मैं चाहता हूँ कि वॉल का वेट है, तो आई मेंशन समथिंग थिंग, लेट्स से माइनस, मैं ऊपर से नीचे वॉल का ग्राम -14 किलोन्यूटन में ऐड कर देता हूँ। यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास फर्दर ऑप्शंस हैं, अगर आप देखिए, अगर आपने पॉइंट लोड लगाना है तो आप पॉइंट लोड भी लगा सकते हैं, ठीक है। लीनियरली वेरिंग लगाना है, ट्रेपेजॉइडल लगाना है, तो आपके पास अलग अलग तरह के ऑप्शन है जिस तरह से आप मेंबर के ऊपर लोड लगा सकते हैं। तो आई पिक हेयर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो दैट इज यूडीएल, मैंने यूडीएल ले लिया है -14 किलोन्यूटन। और आप आगे देखें, आपके पास यहाँ पे फर्दर ऑप्शंस हैं फ्लोर लोड के बारे में, मैं चाहता हूँ कि फ्लोर लोड ऐड करना, तो आप यहाँ से फ्लोर लोड ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखें, मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे फ्लोर्स पे लोड ऐड हो जाए, तो मेरी जो फ्लोर की जो हाइट्स है, मैंने सपोज मैं चाहता हूँ कि 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से ऐड हो जाए, तो -3 मेंशन करके मैं ये चाहता हूँ कि वाई रेंज कितना देना है। हम इस चीज के बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब व्हेन वी स्टार्ट अप्लाइंग डेड लोड्स एंड ऑल दैट। तो अगर आप यहाँ रेंज देना चाहते हैं, मैं पूरी हाइट दे रहा हूँ स्ट्रक्चर की, टोटल हाइट 15 मीटर तक जितने भी फ्लोर्स हैं उन सबको सेलेक्ट कर लेगा। ऐड किया। नाउ दिस इज हाउ वी ऐड द लोड आइटम्स। नाउ अगर आप यहाँ सिस्मिक पे क्लिक करते हैं, देखिए, तो ये कह रहा है कि सिस्मिक डेफिनेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू असाइन अ सिस्मिक लोड। तो इस समय क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ फैक्टर विल डिसाइड कि क्या सिस्मिक, क्या अमाउंट ऑफ लोड होगा, तो यहां पर ये पूछ रहा है डेफिनेशंस के बारे में। तो सबसे पहले सिस्मिक क्रिएट करने के लिए मुझे डेफिनेशन लगानी पड़ेगी, देन आई एम मूविंग, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं यहां से, नाउ आई एम मूविंग इन डेफिनेशन, मैं डेफिनेशन में जा रहा हूं क्योंकि डेफिनेशन क्रिएट करनी पड़ेगी, इसलिए पिक सिस्मिक को पिक किया मैंने, एड किया। नाउ ये दीज आर द नंबर ऑफ फैक्टर्स, सेल्फ सिस्मिक पैरामीटर्स एंड ऑल दैट। तो मैं यहाँ से पैरामीटर्स को एक डेफिनेशन जनरेट कर रहा हूँ एंड ऐड किए, देन ये मुझसे नंबर ऑफ चीज़ें पूछेगा, देन आई ऐड दीज थिंग्स। तो दिस इज हाउ वी ऐड डेफिनेशंस। अब मैं इस डेफिनेशंस को ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंशन करना चाहता हूँ, तो अगर आप पिक करेंगे, एड में जाएंगे और अब आप सिस्मिक को पिक करेंगे, तो यहाँ पर शो कर रहा है कि अब आप लगा सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट, दिस इज हाउ वी क्रिएट डेफिनेशन एंड हाउ वी इम्प्लीमेंटेड। अगर आप मैं मैंशन करना चाहूँ एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, ओके, सो नाउ माई सिस्मिक इन एक्स डायरेक्शन, यहाँ से पिक कर रहा हूँ, एंड डेफिनेशन में जाना चाहता हूँ सिस्मिक में, जेड डायरेक्शन, आई मैंशन द फैक्टर, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, यहाँ पे आ गया हूँ। नाउ अगर आप यहाँ देखें, ये सारे बॉक्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये डिफाइंड हो चुके हैं कहाँ पर और कितना अमाउंट में लग रहे हैं। अगर आप यहां देखें तो ये यहां पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो ये क्वेश्चन मार्क ये आपको बता रहा है कि ये अभी इनकी पोजीशन, ये अमाउंट तो पता है कि कितना अमाउंट है, क्या है, बट ये नहीं पता है कि ये कहां लग रहा है। तो इससे ये हमें लगाने के लिए जो हमारी हेल्प करेंगे, तो ये हेल्प करेंगे हमारे असाइनमेंट मेथड। सपोज मुझे स्ट्रक्चर के ऊपर ये सारा मुझे लोड लगाना है, सेल्फ वेट लगाना है, तो आई मेंशन असाइन टू व्यू, तो ये सारा व्यू पे असाइन हो जाएगा। नाउ आई मेंशन 14 किलोन्यूटन, अगर ये मेरा -14 किलोन्यूटन कहाँ पे लग रहा है, मैं चाहता हूँ जितनी मेरी वॉल्स हैं इन सब पे -14 किलोन्यूटन है, तो आई पिक दिस एंड असाइनमेंट मेथड के थ्रू मैं इसको लगा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सेलेक्टेड असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स पे लग जाए, आई पिक, और मैं ऐसे पिक कर लेता हूँ कि मैं चाहता हूँ ये जितने फ्लोर्स हैं इनके ऊपर जो मेरा वेट लगे, ये जितने फ्लोर्स हैं इनके ऊपर जो मेरा लोड अमाउंट ऑफ इन बीम्स और कॉलम्स के ऊपर जो लग रहा है, दिस हैज टू बी द अमाउंट। इसको पिक किया और असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स मैंने मेंशन किया। दिस इज हाउ वी जनरली असाइन द थिंग्स। सिमिलरली आप लाइव लोड के लिए कर सकते हैं, और विंड लोड के लिए आपको यहाँ पे दोबारा डेफिनेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। यू गो टू डेफिनेशन, एड, आप डेफिनेशन क्रिएट कर पाएंगे।
अब हम कॉम्बिनेशन इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो कॉम्बिनेशन एक तरह का लोड केस है, तो आप लोड केस पे जाइए और ऐड का बटन प्रेस करें। तो ये आपको बोल रहा है इस समय आप कौन सा केस ऐड करना चाहते हैं, मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ कॉम्बिनेशन। आप कॉम्बिनेशन पे क्लिक कीजिए, जिस तरह का कॉम्बिनेशन आप ऐड करना चाहते हैं और जिसके साथ ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। आप पिक कीजिए एक्स एक्सिस, डेड लोड, लाइव लोड, ऐड, दिस इज हाउ यू ऐड इट। और आपके पास ऑप्शन है, आप जितना यहाँ पर फैक्टर भी चेंज कर सकते हैं। इफ यू गो फॉर दिस, अपनी आप यहाँ पे कोई जो भी फैक्टर आपने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर चेंज करना है, आई राइट 1.2 हेयर, तो आप 1.2 कर सकते हैं और एनीथिंग यू वांट आप कर सकते हैं। सी नाउ आपके पास यहाँ पे एक और ऑप्शन है, ऑटो लोड कॉम्बिनेशन। ऑटो लोड कॉम्बिनेशन का मतलब है कि कोड के हिसाब से, जैसे हमारा इंडियन कोड है, तो इंडियन कोड के हिसाब से ये सारे के सारे जो कॉम्बिनेशन हैं वो जनरेट कर देगा। अगर आप ऐड का प्रेस, ऐड बटन प्रेस करेंगे तो सारे के सारे जो रिलेटेड कॉम्बिनेशन हैं वो यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। देखिए, नाउ दिस इज हाउ वी ऐड द केसेस। नाउ इस टोटल में हमने जाना किस तरह से हम लोड केसेस ऐड करते हैं और उन लोड केसेस के अंदर किस तरह से हम लोड आइटम्स को ऐड करते हैं और किस तरह से हम कॉम्बिनेशन केस ऐड करते हैं। अगले ट्यूटोरियल में हम जानेंगे किस तरह से हम पर्टिकुलर डेड लोड, लाइव लोड, सिस्मिक को स्ट्रक्चर पे ऐड करेंगे।